खड्डा तहसील के सभागार कक्ष में आज 2 जुलाई 2022 दिन शनिवार को लगे संपूर्ण समाधान दिवस में संपूर्ण समाधान दिवस प्रभारी अपर जिलाधिकारी कुशीनगर अध्यक्षता में संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन किया गया, जिसमें अपर पुलिस अधीक्षक कुशीनगर रितेश कुमार सिंह के साथ उप जिलाधिकारी खड्डा भावना सिंह, सीओ खड्डा संदीप वर्मा, तहसीलदार खड्डा दिनेश कुमार, नायब तहसीलदार खड्डा रवि यादव, एसआईएचओ खड्डा धनवीर सिंह, एसआईएचओ हनुमान गंज संतोष कुमार, राजस्व विभाग के कर्मचारी एवं संबंधित विभागों के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के बीच कुल 54 मामले आए, जिसमें से मौके पर 7 मामलों का निस्तारण किया गया। शेष 47 मामले अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित किया गया। अपर जिलाधिकारी ने समस्याओं के निस्तारण हेतु संबंधितों को 1 सप्ताह में निस्तारण करने के लिए निर्देशित किया। इसी क्रम में नदी पार की ग्रामीणों ने नारायणी नदी के ब्यासहा घाट पर पक्के पुल का निर्माण हेतु प्रार्थना पत्र देकर तहसील दिवस प्रभारी से अपनी समस्याओं को अवगत कराते हुए अपनी मांग की। ग्रामीणों का कहना है कि 50 वर्ष से ज्यादा गांव बसे हो गया, लेकिन अभी तक हम सुविधाओं से विरक्त हैं। पक्का पुल का निर्माण जनहित में होगा। अभी इसको समराइज नहीं किया गया है। टोटल कितने एप्लीकेशन है? 54 एप्लीकेशन आए हुए हैं। 7 को निस्तारित किया गया है और सभी जो विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि इसको 1 हफ्ते में गुणवत्तापूर्वक निस्तारण कराएंगे और उसको अपलोड करेंगे। देखा जाए तो सर यहाँ पर 6-6 महीने नहीं, वैसा नहीं होगा। सख्त चेतावनी दी गई है, इसमें सुधार नहीं करेंगे तो कार्रवाई भी की जाएगी। किन समस्याओं को लेकर नदी के उस पार से आए हैं? भाई साहब, पक्का पुल के लिए कोई रास्ता नहीं, इस समय सारा रास्ता बंद हो चुका है। एक जंगल में रास्ता था, बिहार के प्रधान लोग जो है महाराजगंज डीएम 3 किलोमीटर 3 प्रधान को दिए हैं बनाने के लिए, गांव को जोड़ने के लिए। इस समय बरसात में लोग जो है उसको बना रहे, इसे और बंद हो चुका है। तो इस संबंध में आपने क्या किया? हमने कुशीनगर डीएम साहब को तहसील दिवस पर एक दरखास्त दिए हैं नदी पार के 7 प्रधानों से लिखवा कर और गाँव के ग्रामीणों से कि नदी उस पार में जाने के लिए भैंसा से पक्का पुल बन जाता है तो पूरे नारायणी नदी पार का सोहगी बरवा थाना के लोग और शिवपुर पुलिस चौकी के लोग, ये कुल मिलाकर 7 ग्राम पंचायत है जिसमें 28 राजस्व गांव है। ये गांव को सारे लोगों को आने जाने का सुविधा हो जाएगा, सारे विभाग को लोगों को आने जाने की सुविधा हो जाएगा और बिहार होकर हम लोग आते जाते हैं। बिहार के टाइगर रिजर्व जंगल है, उसमें पैदल चल नहीं सकते हैं, साइकिल जा नहीं सकती है, बड़ी गाड़ी जा नहीं सकती है। उत्तर प्रदेश सरकार की कोई गाड़ी जाती नहीं है, प्राइवेट गाड़ी से हम लोग किसी तरीके जाते आते हैं। और भैंसा से पीपे का पुल लगा हुआ है, लेकिन वो बरसात के बाद लगता है, मात्र 2-3 महीने काम आता है। उस पीपे का पुल पर अगर भैंसा से पक्का पुल बन जाता है तो नारायणी नदी पार के जितने गाँव हैं उत्तर प्रदेश सरकार के, वहाँ पोस्ट ऑफिस भी खुल जाएगा। बिहार के पोस्ट ऑफिस हम लोग काम चलता है, वहाँ नदी पार का एक सोहगी बरवा थाना जो है 8 गांव का थाना है, शिवपुर 7 गांव का पुलिस चौकी है, ये सारे राजस्व गांव के लोगों का कानून नियम का व्यवस्था हो जाएगा और सारे विभागों का लाभ मिला। इस समय जो है बिजली नहीं है, वहाँ सोलर लाइट नहीं लगा है, वहाँ तेल भी नहीं मिल रहा है। लोग अंधेरे में पहाड़ से अगर पानी आएगा, जंगल से जानवर बह कर आएंगे तो जानवर घर में घुस जाएंगे तो आदमी क्या करेगा। सरकार से कहा जा रहा है, इस संबंध में कहा गया है, एडीएम साहब कहें तुम्हारे वहाँ सोलर लाइट अभी लग जाएगा बहुत जल्दी, लिखा पढ़ी हो चुका है। अच्छा, पीपा पुल का भी निर्माण हुआ था आपके यहाँ? हाँ, पीपे का पुल जो है 2 साल पहले लगा था, हिमसाल भी लगा था, वो जटाशंकर त्रिपाठी विधायक थे वही लगवाते थे और फिर जब उसका बरसात जब आ जाता था तो हटवा कर रखवा देते थे। इस समय भी वही धंधा हुआ है। कितना वर्ष पहले गाँव का निर्माण हुआ था? हम लोगों का गाँव 47 के पहले जो है, हाँ पहले जो है नदी उदी में गांव कट गया, वह गांव ऊंचे स्थानों पर लाकर सरकार द्वारा बसा दिया गया है। तो अभी मतलब इतने विकास की दरिया बह रही है, उसके 47 वर्ष में है, मतलब अब तक वहां पे कोई पुलिया का निर्माण नहीं हुआ? पुलिया का निर्माण जो है कहां नदी में नहीं हुआ है, नदी में हो जाएगा। एक मरचावन नवासी में कांड हुआ था ना,
नवासी में उस समय जो है मुख्यमंत्री आए थे मरचावा, तो उन्होंने भाई उत्तर प्रदेश को गांव को जोड़ने के लिए, बिहार राज्य को जोड़ने के लिए हम लोग कहे थे कि हम लोग नेपाल होकर 80 किलोमीटर से हम लोग मरचावा आते हैं, खड्डा से 80 किलोमीटर पड़ता है नेपाल होकर, और बिहार से मुजफ्फरपुर में 200 किलोमीटर का पुल बना है, तो 200 किलोमीटर से घूम कर आते हैं लोग, तो उससे जो है ये कहा गया कि मरचावा आने के लिए, तो नारायण दत्त तिवारी और बिहार के मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्र से वार्ता करके तत्काल जो है परिहवा से लेकर वाल्मीकि नगर रोड तक ट्रेन का जो है जाने के लिए, साथ साथ बस गाड़ी जाने के लिए, लेकिन जो अब यूपी बिहार का मामला चल रहा है, बिहार में सरकार बस नहीं चलने, उत्तर प्रदेश के उत्तर प्रदेश का बस बिहार में नहीं, अब बिहार और यूपी का मामला है, अगर वही अब उत्तर प्रदेश सरकार अगर रास्ता बनवा देती है, अब जैसे आपको बगल में सुस्ता गांव है, मात्र 150 घर है, वहाँ पुल भी नेपाल से बना हुआ है, वहाँ बिजली भी लगा हुआ है, सारे व्यवस्था हुआ है, और हमारे उत्तर प्रदेश सरकार में जो भी ये गांव है वहाँ अभी तक कोई पुल का निर्माण नहीं है, कोई रास्ता भी नहीं निर्माण हुआ, बिहार के रास्ते हम लोग जंगल के रास्ते से आते जाते हैं बिहार होकर, बिहार सरकार कभी पूछते हैं आप इधर कहाँ आए हैं, तो हम लोग मजबूरी बताते हैं, अपना मजबूरी को लोग लाभ देते हैं। इस संबंध में कहाँ कहाँ शिकायत किया है? हमने शिकायत जो है सरकार को, जो है मोदी सरकार को, योगी सरकार को, जितने लोग हैं अधिकारी, सभी पीडब्ल्यूडी के अधिकारी, ये सारे लोग एप्लीकेशन हमने दे चुका है। केशव प्रसाद मौर्य आए थे भाई साहब उद्घाटन करने के लिए पीपे का पुल, वहाँ भी हम लोग विज्ञापन दिए। केशव प्रसाद फिर मौर्य आए थे यहाँ क्या नाम है गोनहा में, तो वहाँ भी हम लोग विज्ञापन दिए थे नदी पार के पूरे लोग कि हम लोग सरकार भाई साहब से पक्का पुल बनाया, जिससे हम लोग नारायणी नदी पार के काश्कार जो भी किसान हैं नदी उस पार में, उत्तर प्रदेश सरकार के लोग हैं, सारे लोगों को लाभ मिले भारत सरकार की योजना के। आप लोग यानी कि 60-70 वर्ष से चिल्ला रहे हैं आपकी पुलिया बनाने के लिए जी, लेकिन आपकी बातों को कोई सुन नहीं रहा? नहीं सुन रहे, पीपा का पुल के लिए हम लोग पहले कहे थे, तो ये कहा गया था जो जनपद के अंदर पीपा का पुल खाली पड़ा हुआ है वहाँ पक्का पुल बन चुका है, तो उस पीपे को लेकर भाई साहब लगवा दिया जाए, जिससे हम लोगों को लाभ मिले, कुछ महीने तो हम लोग को लाभ मिलेगा, फिर उसके बाद बरसात तो हर जगह आता है, तो बरसात में तो मुख्यमंत्री का प्रोग्राम लगा था इसी संबंध में शिवपुर, लेकिन रास्ता न होने के चलते मुख्यमंत्री का प्रोग्राम, योगी जी का प्रोग्राम कैंसिल करके धरनी पट्टी प्रोग्राम लगा दिया गया, वहाँ प्रोग्राम नहीं लग पाया, इसलिए रास्ता नहीं है, रास्ता न होने के चलते वह शिकायत कर दिए हम लोग, तो वही जो है रास्ता के लिए जो है तभी से चल रहा, तो वो पीपा का पुल लगा है, लेकिन पीपे का पुल वही बरसात में 2-3 महीने काम आता है, पक्का पुल बन जाएगा तो पूरे नलानी नदी पार के जो है 50,000 की आबादी जो है, उत्तर प्रदेश दो जिले का गांव है, महाराजगंज जिले का, कुशीनगर जिले का, कुल मिलाकर 28 गांव है, 28 गांव के लोगों को लाभ मिलेगा, राजस्व जमीन बहुत है, कई समस्या हमेशा के लिए खत्म, हाँ बहुत समस्या खत्म हो जाएगा, पूरे नदी पार के लोग जो है वो भी लोग जो खुशहाल हो जाएंगे, बड़े बड़े अफसर होंगे, पढ़ेंगे लिखेंगे, विज्ञान होंगे, बहुत अच्छा अच्छा कारोबार होगा। क्या नाम है आपका? हमारा नाम निजामुद्दीन है, पुलिस मित्र है, घर शिवपुर है, हमारा जन्म स्थान शिवपुर है, तो सारे विभाग लोग हमारे वहाँ जाते हैं, वहीं हम सब लोगों के रहने के लिए आवास सब कुछ बनवाए हैं, रहने जाने के लिए, खाने पीने के लिए व्यवस्था, तो पक्का पुल बन जाएगा तो हम लोगों को जो है सरकार को बच्चों का भविष्य बन जाएगा, बच्चों का बूढ़ों का सबका भविष्य बन जाएगा, पुरान का भविष्य बन जाएगा।